खेलो ऐसा कि हार के भी दिल जीत जाओ। तुम खेलो ऐसा कि हार के भी दिल जीत जाओ। और नेपाली की गेटिंग दिल नहीं हॉट किडनी और सारा कुछ जीत के नेपाल लौट चुके हैं। एशिया कप का इरा खत्म हो चुका है लेकिन नेपाल क्रिकेट टीम का चर्चा जारी है। क्यों जारी है? तो पहली बार इंडिया और पाकिस्तान से खेले और दोनों के सामने कुछ ऐसा छाप छोड़े हैं कि सारा नेपाली फैंस ही नहीं वर्ल्ड कप सारा बच्चा बच्चा जानेगा नेपाली क्रिकेट टीम भी है जो आगे बढ़ रहा। तो सारा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं नेपाली क्रिकेट टीम्स का मैच कब है, कहाँ है और कौन कौन मैच इस साल में नेपाल की टीम अभी खेलने वाले हैं। तो सारा जानने से पहले आप लोग बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट तो कोई भी कर सकते हो अपने नेपाल के लिए, जय नेपाल जरूर लिखिएगा। तो बताया जाए इस साल में नेपाली क्रिकेट टीम एशिया कप खेले हैं, आईसीसी क्वालिफायर खेले हैं, बताया जाए तो इमर्जिंग एशिया कप खेले हैं। तो हम बताएंगे इमर्जिंग एशिया कप और आईसीसी क्वालिफायर वर्ल्ड कप दोनों में बकवास प्रदर्शन नेपाली क्रिकेट टीम ने किया था। बताए तो शॉर्ट बॉल के खिलाफ जिस तरह से आउट हो रहे थे लगभग नेपाली क्रिकेट टीम शॉर्ट बॉल पे ही सारा विकेट फेंक के जा रहे थे, लेकिन यहाँ प्लस पॉइंट आ चुका है एशिया कप में। बॉलिंग किया पाकिस्तान के खिलाफ काफी अच्छा, दबाव में नेपाल क्रिकेट टीम पाकिस्तान को रख दिया था लेकिन वहां से वो लोग एक्सपीरियंस है तो अपना कंट्रोल बना रखा और गेम में जो हुआ सो हो गया सबको पता है। लेकिन बता दें तो इंडिया के खिलाफ बैटिंग में धमाका मचा दिया, जिस शॉर्ट बॉल में नेपाली क्रिकेट टीम अपना पूरा विकेट फेंक के जा रहे थे वही शॉर्ट बॉल को अच्छा से डट के मुकाबला किया और दिखाया कि नेपाली क्रिकेट टीम ऐसा है कि एशिया में ही सबसे बेस्ट शॉर्ट बॉल खेल सकता है, जो कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, गौतम गंभीर बोले हैं और इरफान पठान बोले हैं। इस बात के लिए क्लैप हो जाए। और कुछ है कि नेपाली क्रिकेट टीम अपने घर नेपाल पहुंच चुका है, सेफली लैंड कर चुका है, लेकिन नेपाल की टीम का अगला मुकाबला कहाँ होने वाला है? तो अगला मुकाबला चाइना में एशियन गेम्स खेलेंगी, जो कि नेपाली क्रिकेट टीम T20 फॉर्मेट में खेलने वाले हैं। उसके बाद नेपाली क्रिकेट टीम का T20 एशिया वर्ल्ड क्वालिफायर होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप का एशिया क्वालिफायर होने वाला है, वो भी नेपाल क्रिकेट टीम होस्ट करने वाले हैं। ये सबसे खुशी की बात है नेपाल क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि सभी को पता है होम कंडीशन में नेपाल क्रिकेट टीम यहाँ यहाँ जाता है और किसी भी टीम को फिनिश कर सकता है। सो आप लोगों को भी पता होगा। बता दें तो एशियन गेम्स में क्या हो सकता है, कहाँ खेलेंगे सारा हम उसमें बता रहे हैं। नेपाल की टीम एशियन गेम्स में दो टीम के साथ पहले खेलेंगे, ग्रुप बी में है, वहां से अगर इम्प्रूव प्रोग्रेस करेंगे उसके बाद और भी टीम आएंगे और गोल्ड मेडल के लिए अंत का फाइनल तक बने रहना होगा नेपाल की टीम, और फाइनल तक बनेंगे तो इंडिया पाकिस्तान दोनों के साथ नेपाल की टीम फिर से खेल सकते हैं। लेकिन हालांकि इंडिया का बी टीम आएगा, पाकिस्तान का बी टीम आएगा, लेकिन इंडिया का बी टीम में भी कौन है? ऋतुराज गायकवाड़ है, शिवम दुबे है, लगभग बताया तो इंडिया का ए टीम ही बुझो जो कि आईपीएल में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। नेपाल क्रिकेट टीम को अभी फिर से चुनौती मिलने वाला है अच्छे टीम के साथ और नेपाल क्रिकेट टीम करके भी दिखाए, यहाँ से बहुत कुछ सीख के गए। रोहित कुमार पौडेल का प्रदर्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह रहा है लेकिन उनका भी फॉर्म में आना जरूरी है। नेपाली क्रिकेट टीम फैंस सभी को दिल से अनुरोध है कि नेपाल क्रिकेट टीम को जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है उसी से मिले। और बताया जाए तो उसके बाद होने वाला है T20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर, उसमें नेपाल क्रिकेट टीम होम कंडीशन में खेलेंगे, फिर से वही UAE हांगकांग और इन सबके साथ नेपाल क्रिकेट टीम अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि नेपाल क्रिकेट टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप में जरूर सेलेक्ट होंगे। आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट कीजिएगा। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर एशिया का स्क्वाड भी लगभग आ चुका है, सभी को पता है 6 खिलाड़ी भारत में जाके प्रैक्टिस किया है। बताया तो नेपाली टीम्स को इतना दिमाग में रखना है कि अब जहां खेलेंगे अच्छा प्रदर्शन करके देंगे, नेपाली फैंस को दिल खुश करके देंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब मारते रहिएगा, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, जो भी इंप्रेशन है इंफॉर्मेशन है लाते रहेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोग नेपाली फैंस दिल से टिकटॉक में दुआएं दे रहे हो, हम उनको जितना दे रहे हो हम उससे बहुत खुश है, इसमें भी थोड़ा बहुत प्यार देते हैं। और बता दूं तो नेपाली क्रिकेट टीम में कुछ बदलाव करना जरूरी है, जो कि एक तीव्र गति का बॉलर चाहिए, जो ऐसा बॉलर चाहिए कि किसी भी टीम को दिखा सकता है पावर। नेपाल क्रिकेट टीम में ये देखा जाए तो करण कैसी अच्छा बॉलिंग किए हैं लेकिन सोमपाल कामी से बैटिंग बढ़िया कर रहे हैं लेकिन बॉलिंग उतना अच्छा नहीं हो रहा है, एक्सपेक्टेशन जितना है उससे नीचे कर रहे हैं। और करण कैसी, वेल डन करण कैसी, अच्छा कर रहे हो।
ओवरऑल कहा जाए तो नेपाली क्रिकेट टीम पहले जो थे और अभी में बहुत फर्क आया है। आप लोगों को भी लग रहा होगा जिस तरह से श्रीलंका में इतना नेपाली क्रिकेट फैंस आ रहे हैं, हम लोगों को देख के खुशी लगा, लेकिन ये देख के दुख लग रहा है कि नेपाली गवर्नमेंट नेपाल क्रिकेट टीम के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो इसके लिए नेपाल गवर्नमेंट को कुछ अब करना होगा। स्टेडियम ऐसा बनाओ कि जहां पे 10,000, 6,000, 9,000 दर्शक बैठ सके, नेपाल क्रिकेट टीम अच्छा करे। और नेपाल में जब स्टेडियम बन जाएगा तो बाहर बाहर के देश के अच्छे टीम भी नेपाली क्रिकेट टीम के साथ मैच खेलने आएंगे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड नेपाल क्रिकेट टीम को देख चुका है किस तरह से प्रदर्शन करता है। तो ओवरऑल हम बताएंगे, सारा वीडियो हम लाते रहेंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन नेपाली क्रिकेट टीम को रिलेटेड आएगा। बताया जाए तो नेपाल वुमेन क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेल रहे थे, अनबीटन थे, लेकिन आज उनको 46 रन से हार मिला है थाईलैंड के विरुद्ध और इलिमिनेट हो गया है। कोई बात नहीं, अच्छा खेले हैं, इस तरह से इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन नेपाल मेन सीनियर टीम के लिए मेनली कहूंगा, जिस तरह से आप लोग एशिया को खेले हैं, लेके आए हैं, जो बड़े बड़े टीम के साथ खेल के जितना सीख के आए हैं, वो सीख आप एशियन गेम्स और एशिया क्वालिफायर T20 वर्ल्ड कप में दिखाना होगा, क्योंकि इतना आप खेल चुके हो, अब सीखने की बारी नहीं है, अब दिखाने की बारी है नेपाल की टीम को। दिखा दो कि हम में पावर है, हम कुछ करेंगे और ऐसा करेंगे कि घंटा बजा देंगे सभी टीम को। तो हमें बिलीव है, आप लोग को भी बिलीव रखना होगा नेपाल क्रिकेट टीम प्रति, और नेपाल क्रिकेट टीम अच्छा करेंगे। जय नेपाल क्रिकेट टीम। बाकी खबर हम लाते रहेंगे, आप लोग बस इस चैनल के साथ बने रहिएगा और दिल से चलो।